हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए जैन का लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचू बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। जिसके लिए यहाँ पे ये एक कलर ले लिया है और ये मैंने 10 नंबर सिलाई ली हुई है। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर ले लें, आप 2 कलर से भी इसको बना सकती हैं, पर मैं आपको 1 कलर में बता रही हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो पोंचू हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम ये नीचे से शुरुआत करेंगे। तो नीचे से शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से ये देखिए फंदे डालेंगे, और यहाँ पे मैं 22 फंदे डाल लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए पहनाने के बाद एकदम फिट आएगा, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 22 फंदे हम डाल लेते हैं। और इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए हमने 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे मैंने 22 फंदे ले लिए हैं। तो ये मैं नीचे से शुरुआत कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले एक सिलाई इसी तरह से हम बना के ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, जिन्हें नहीं आता है वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरह से तो फंदे डाल के यहाँ पे एक सिलाई बना ली है, और उल्टी सिलाई को भी हम बना लेंगे इसी तरह से उल्टा उल्टा। तो चलिए उल्टी सिलाई को भी बना लेते हैं और सीधी पे आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिलाई बना ली है, तो हमने एक सिलाई फंदे डाल के इस तरह से बनाई है, फिर हमने ये उल्टी सिलाई बनाई हुई है। तो दोनों तरफ की मेरी ये 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, और सीधी तरफ की यानी कि 1 सिलाई हमारी हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लेते हैं, और एक फंदा हमने स्लिप करना है और दूसरा फंदा हमने बनाना है। एक फंदा बिगर बुना स्लिप किया और एक फंदा बनाना है उल्टा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बिगर बुना हम फंदा ले लेते हैं और आगे के फंदे को बुन लेते हैं। एक फंदा स्लिप करते हैं, आगे के फंदे को बुन लेते हैं। एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुना, फिर एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया। इस तरह से ये पूरी सिलाई को एक फंदा बिगर बुना उतार लिया है सिलाई पे, और आगे का फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया, और लास्ट का फंदा हम पीछे धागा, देखिए एक फंदा मैंने बुन लिया है और एक फंदा स्लिप किया है, और ये वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई में हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे हम, तो ये हमारे दोनों फंदे बुन चुके हैं, तो हम इन्हें इस तरह से बुन लेते हैं। ये देखिए जो फंदा हमने स्लिप किया है उस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए, और जो फंदा हमने बुना है उसको हम उल्टा बनाएंगे। उल्टी सिलाई को इस तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये फंदा मेरा स्लिप किया हुआ है जो मैंने नहीं बुना है, तो उल्टी सिलाई पे हम इसको सीधा बनाएंगे, और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। तो उल्टी सिलाई को हम इस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पे आप ध्यान रखें यहाँ पे आपका उल्टा फंदा आ रहा है या स्लिप किया हुआ फंदा आ रहा। तो देखिए यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को एक फंदा बुन लिया, एक फंदा सीधा। जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं उल्टी सिलाई को हम उसी तरह से यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। जो फंदा मैंने स्लिप किया है उसको मैं सीधा बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। जो फंदा मैंने बुना है उसको मैं
धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना रही हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे ये डिजाइन बना रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए मैं आ गई हूँ अब सीधी सिलाई पे। इस तरह से ये हमारा डिजाइन इसमें बनेगा। तो ये हम, ये देखिए डिजाइन की यहाँ पे एक सिलाई हो चुकी है, दोनों तरफ की दो सिलाइयाँ। तो ये हम दूसरी सिलाई को पूरा सीधा बनाएंगे। तो ये सिलाई मैं पूरा सीधा बना के कंप्लीट करूँगी। तो आपको ये हम बिल्कुल आसान तरीके से डिजाइन बना करके आपको बता रहे हैं, किसी में भी आप इसे डाल सकती हैं। ये देखिए, इसके साथ के मैं आपको कैप और सूज भी बताऊंगी। काफ़ी मैंने अपने चैनल में सूज और टोपी डाली हुई हैं, सभी मेरी सिलाइयों से बनी हुई ड्रेसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई इस तरह से सीधी बना ली है। अब उल्टी सिलाई को हम पूरा इसको उल्टा बनाएंगे। तो चलिए ये उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं, सीधी सिलाई पे आपको फिर से दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। फिर से मैं सीधी सिलाई पे हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिजाइन की पूरी दो सिलाइयाँ हो चुकी हैं, यानी कि दोनों तरफ की चार सिलाइयाँ हो चुकी हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये बताई है उसी तरह से। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे का फंदा बुन लेंगे। एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया और आगे का फंदा हमने बुन लिया। इस तरह से हम ये डिजाइन बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप किया है और एक फंदा बुना है। सीधी सिलाई में हमने इस तरह से बनाना है। और उल्टी सिलाई को हम बताते हैं आपको, जब हमने सीधी सिलाई ये बनानी है इस तरह से, तो उल्टी सिलाई पे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो फंदा हमने बुन लिया है उसको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, जो स्लिप किया है उसको हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसमें अपना डिजाइन बनाते हुए जाएंगे। तो उल्टी सिलाई हमने इस तरह से ये बनानी है, फिर हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो पूरा हम उसको सीधा बनाएंगे। इसी तरह से ये हमने इसमें डिजाइन बनाना है। और इस डिजाइन को आप किसी में भी डाल सकती हैं। ये देखिए, तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए हम पोंचे बता रहे हैं और दो से तीन नंबर के लिए। ये देखिए, अब हमने इधर की सिलाई पे हमने एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुना है। उल्टी सिलाई पे हमने एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा उल्टा। इसके बाद हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पे आएंगे तो पूरा उसको उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें ये डिजाइन बनाते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ और इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आठ सिलाइयाँ बना ली हैं डिजाइन की। ये देखिए, तो मैं आपको गिन के बता रही हूँ। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ये देखिए, ये आठवीं सिलाई है हमारी। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं ये। अब आठवीं सिलाई पे हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से हम फंदा घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से फंदा घटाएंगे। ये देखिए, एक वापस सिलाई में डाला, दो वापस सिलाई में डाल के, तीन चार पाँच छ सात और ये देखिए आठ
और ये देखिए 10, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और ये देखिए 12, 12 फंदे हो गए हैं। तो जो हम सीधी सिलाई बनाने वाले थे डिजाइन के बाद, तो वो हमारी सीधी सिलाई है क्योंकि हमने डिजाइन पे ही फंदे अपने घटा दिए। तो यहाँ पे हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे, ये देखिए, तो 12 फंदे हैं हमारे पास और 10 फंदे हमने घटा दिए हैं, ये देखिए। अब ये भी हम इसी तरह से 8 सिलाइयां बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैं फिर भी एक बार आपको बता रही हूँ, उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, ये देखिए उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। सीधी पे फिर से हमारा डिजाइन बनेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पूरे में ही अपना डिजाइन बना रहे हैं, ये डिजाइन वाला पोंचो आपको बता रहे हैं, ये देखिए। तो ये वाला फंदा मुझे सीधा ही लेना है, ये देखिए इस तरह से फंदे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। तो एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया, आगे का फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया और आगे का फंदा, और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे ही, ये देखिए। तो यहाँ पे उसी तरह से ये 8 सिलाइयाँ और बनाएंगे ऊपर, इसके बाद आपको फिर दिखाएंगे डिजाइन। हमने इसी तरह से इनमें भी इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम नीचे बनाए हैं। तो ये मैं बनाती हूँ इसको, तो उल्टी साइड पे जो फंदा बुना हुआ है वो हम बुन लेंगे और जो फंदा बिगर बुना है वो सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरह से हम उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसको बना लेती हूँ, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने 8 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं फंदे घटाने के बाद। ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8वीं सिलाई पे हम यहाँ पे ये भी फंदे हम बंद कर देंगे। देखिए किस तरह से, उसी तरह से ये देखिए सभी फंदों को बंद करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बहुत ही इजी, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 12 फंदे भी घटा दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहीं पे हम धागे को कट करके देखिए इस तरह से हम यहाँ पे धागे को इस फंदे में से निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा एक पार्ट बन चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट भी सेम उसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर ली है, इसको हम सीधा करेंगे। तो देखिए अभी हम गले में डोरी डालेंगे यहाँ पे। अगर आपका गला थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप इसमें डोरी लगा लें। तो देखिए मैं डोरी भी आपको लगा करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीके से ये ब्यूटीफुल सा पोंचो बन के कम्प्लीट है। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से कुछ पॉम पॉम्स बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए दो उंगलियों पे लपेटते हुए मैं, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 बार लपेट लिया है और उंगलियों में से इस तरह से निकाल लिया। और इसी धागे से ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको टाइट टाइट लपेट लेंगे, एक दो बार इस तरह से टाइट से लपेट लेना है। और इसी धागे को ये देखिए हम इस तरह से इसमें नॉट लगा लेंगे,
ये देखिए यहीं पे हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। तो एक दो बार इस तरह से ही नॉट लगा लें ताकि अच्छे से ये पॉम्पॉम्स खुले नहीं। ये देखिए और धागे को यहाँ से अब कट करेंगे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको ये देखिए इस तरह से कट करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पॉम्पॉम्स बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से लगाने के लिए। तो चलिए मैं सारे पॉम्पॉम्स इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको डोरी बना करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये 6 पॉम्पॉम्स बना लिए हैं। अगर आपने दोनों तरफ लगाने हैं तो 6 और आप इसी तरह से बना लें 12 दोनों तरफ। तो मैं यहाँ पे आपको एक साइड ही लगा करके दिखा रही हूँ। अगर आप दोनों साइड लगा सकते हैं तो आप इस तरह से भी, तो देखिए 3 एक तरफ लगाऊंगी मैं, ये देखिए, और 3 ही मैं एक तरफ लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो हम कोई भी धागा लेके यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं इनको सुइंग की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसी से इसी तरह से सभी पॉम्पॉम्स को इस तरह से लगा लेंगे और यहीं पे नॉट लगा के धागे को ये देखिए कट करेंगे। तो यहाँ पे हम वूल वाला ही धागा ले रहे हैं और आप रील से भी लगा सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए इसी तरह से सभी को लगा लेते हैं, ये देखिए सभी को मैं लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ और इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पोंचू अच्छे से बन के कम्प्लीट है, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए मैंने हाथों से बट करके ये डोरी भी लगा दी है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा गला बड़ा था तो आप इस तरह से खुला करके भी पहना सकते हैं और फिर इस तरह से डोरी को खींच सकते हैं। और मैंने इस साइड नहीं लगाए हैं, अगर आप लगाना चाहती हैं तो इस साइड भी आप लगा सकती हैं, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने एक ही साइड पॉम्पॉम्स लगा के इसको कंप्लीट किया है, ये देखिए बहुत ही आसानी से बनाया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है और डिजाइनर पोंचू हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप कोई भी बटन वगैरह, तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी बटन वगैरह लगा लें इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पे ये मैंने स्टोन लगा लिया है, ये हम ग्लूगन की मदद से चिपका लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से ब्यूटीफुल सा पोंचू हमारा बनके कंप्लीट है, ये देखिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये लड्डू गोपाल जी का पोंचू आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।